हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा प्राइवेट पार्ट सही समय पर खड़ा नहीं होता, हमारे प्राइवेट पार्ट में जान नहीं रहता, हमारे प्राइवेट पार्ट में कड़ापन नहीं आता। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट में ढीलापन बना रहता है, जिससे कि दोस्तों अपने हमसफ़र को, अपने बीवी को अच्छी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर पाते। हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमकोलिन जेल के बारे में, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे इस जेल को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके फायदे और नुकसान के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों यह जेल जो होता है आयुर्वेदिक जेल होता है, और दोस्तों इस जेल को हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें इसकी एमआरपी के बारे में, यानी इसके प्राइस के बारे में, दोस्तों 30 ग्राम का जेल आपको फार्मेसी पे, यानी कि मेडिकल स्टोर पे आपको 200 रुपये तक आपको आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि हिमकोलिन जेल में क्या क्या पाया जाता है, इस जेल में क्या क्या शामिल रहता है। दोस्तों इस जेल में ज्योतिष मती पाया जाता है, लता कस्तूरी पाया जाता है, निर्घुंडी पाया जाता है, करपासा पाया जाता है, लौंग पाया जाता है, ताज़ा पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हिमकोलिन जेल जो होता है ये पुरुषों में किस प्रकार काम करता है। दोस्तों जो हिमकोलिन जेल होता है, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में छोटी छोटी वाहिकाओं में ब्लड का फ्लो करा करके पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में जान लाती है, जिससे कि दोस्तों क्या होता है कि पुरुष अपने महिला को, अपने हमसफर को अच्छी प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों हम जान लेते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों इस जेल का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में करते हैं, यानी कि भाई बहुत से पुरुषों में क्या होता है कि उनका प्राइवेट पार्ट सही समय पर खड़ा नहीं होता, और दोस्तों कुछ पुरुषों में क्या होता है कि उनके प्राइवेट पार्ट में जान नहीं आता, उनके प्राइवेट पार्ट में कड़ापन नहीं रहता, और दोस्तों उनके प्राइवेट पार्ट में ढीलापन बना रहता है। दोस्तों इन सभी कंडीशन में इस जेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि दोस्तों क्या होता है, इस जेल के माध्यम से पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में जान आता है, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में कड़ापन आता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस जेल को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे पहले तो इस जेल को अपने फिंगर पर लेना है, दोस्तों उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाना है, ठीक है। और दोस्तों जो प्राइवेट पार्ट का जो आगे का जो पार्ट होता है, यानी कि जो टोपी होती है, उस पर इसका इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों जो बीच का साफ्ट होता है, उस पर इसका इस्तेमाल करना होता है। और दोस्तों इस जेल को कम से कम 30 से 60 सेकंड तक आपको रब करना है, उसके बाद आपको अब्जॉर्ब के लिए छोड़ देना है। दोस्तों उसके बाद आपको लगभग आधा घंटे के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी प्रकार से साफ कर लें, उसके बाद अपने हमसफर के साथ, अपने बीबी के साथ संबंध बनाने के लिए बिल्कुल आप जा सकते हैं, जिससे कि दोस्तों अपने हमसफर को, अपने बीबी को अच्छी प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों अभी तक इस जेल के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, लेकिन दोस्तों अगर पुरुषों के शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, उस कंडीशन में इस जेल का इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर जाके एक बार सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी, हमारे वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।